कर्नाटक का किला फतह करने की तैयारी में जुटी भाजपा को बड़ा झटका लगा है। विधानसभा चुनावों से ठीक पहले पार्टी में बड़ी बगावत हो गई है। यहां 6 बार के भाजपा विधायक और मुख्यमंत्री रह चुके जगदीश शेट्टार ने पार्टी का फैसला मानने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि पार्टी नेतृत्व ने उन्हें टिकट न देने की बात कही है और साथ ही दूसरों के लिए रास्ता तैयार करने के लिए बोला है। शेट्टार साल 2012 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। गौरतलब है कि कर्नाटक में भाजपा ने अभी तक विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। जगदीश शेट्टार हुबली से विधायक हैं। वो पूर्व में 6 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। साल 2018 के विधानसभा चुनावों में शेट्टार को 21,000 वोटों से जीत मिली थी। उस वक्त उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार महेश नलवाड़ को मात दी थी। शेट्टार बोलते हैं कि बीते 6 चुनावों में वो लगातार जीतते आ रहे हैं। हर बार उनकी जीत का अंतर 21,000 वोटों से ज्यादा रहा है। उन्होंने पूछा कि आखिर मेरी कमी क्या है। पार्टी की चुनाव समिति ने पिछले हफ्ते दिल्ली में मीटिंग की थी। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल थे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी पहली लिस्ट से खुश नहीं थे और इसमें बदलाव होना तय है। जगदीश शेट्टार का कहना है कि उनका राजनीतिक करियर पूरी तरह से स्थिर है। उन्होंने कहा कि मैंने पार्टी नेतृत्व से गुहार की है कि मुझे इस बार भी चुनाव लड़ने दिया जाए। शेट्टार ने कहा कि मैं बस एक बात पूछना चाहता हूँ, मैंने 6 बार जीत हासिल की। अपने राजनीतिक करियर में मैंने कभी झटके नहीं खाए और मेरे ऊपर किसी तरह का कोई आरोप भी नहीं है, फिर आखिर मुझे क्यों दरकिनार किया जा रहा है। शेट्टार ने यहाँ तक बोल दिया है कि पार्टी मुझे एक बार चुनाव लड़ने दे, नहीं तो ये पार्टी के लिए ठीक नहीं होगा। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया है कि टिकट न मिलने से वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या नहीं, लेकिन उनके तेवर पूरी तरह से बगावती हैं। जगदीश शेट्टार ने यह भी कहा कि मैंने भाजपा के प्रति पूरी निष्ठा रखी है, यहाँ तक कि पार्टी के हालिया आंतरिक सर्वे में भी ये साबित हुआ है कि मैं आगे हूँ, लेकिन पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से आए फोन के बाद मैं ज्यादा निराश हूँ। उन्होंने कहा कि मैं चाहूंगा कि पार्टी वरिष्ठता का क्रम तय करे। इस बात को लेकर काफी कंफ्यूजन है कि इस बात का फैसला कैसे होगा कि कौन चुनाव लड़ेगा और कौन नहीं। आपको बता दें कि भाजपा गुजरात की तर्ज पर कर्नाटक चुनाव में भी नए चेहरों को मौका देना चाहती है। इधर बीजेपी में बगावत की सुगबुगाहट देखने को मिल रही है और उधर कांग्रेस पार्टी दमखम के साथ कर्नाटक जीतने की तैयारी में जुटी हुई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कर्नाटक चुनावों के लिए आगाज करते हुए रैली निकाली और साथ ही प्रियंका गांधी ने भाषण भी दिया। कांग्रेस के रोड शो में जुटी भीड़ को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कर्नाटक का चुनाव आर पार की जंग जैसा होगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी भी कर्नाटक में कई रैली और रोड शो कर चुके हैं, लेकिन सवाल वही है कि अगर 6 बार विधायक रहे जगदीश शेट्टार बागी मोड में आते हैं तो इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना होगा। उन्हें टिकट नहीं देने का मतलब होगा कि या तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या फिर किसी और पार्टी का हाथ थाम लेंगे। दोनों ही सूरतों में ये बीजेपी के लिए नुकसान का सौदा रहेगा, क्योंकि जगदीश के समर्थक और उनका कोर वोट बैंक उन्हीं के साथ जाएगा, जिसके बाद एंटी बीजेपी वोट पड़ने की बड़ी संभावना है। तो अब देखना यह है कि कर्नाटक में लगी बगावत की आँख को बीजेपी कैसे शांत करती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया लाइव को।